माइक्रोवेव फोर मोड है। नॉर्मली एक माइक्रोवेव होता है जो आपको अंदर से पकाने के लिए यूज होता है, एक ग्रिल होता है जो आप ऊपर से रोस्ट करते हो, एक होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, आपको पिज्जा बनाना है, केक बनाना है, उसमें क्या होता है कि आपको कितनी डिग्री सेल्सियस से चीज़ों को बनाना है। और ग्रिल में क्या होता है कि आपको ऊपर से रोस्ट कर देगा, नीचे से कर देगा, उसमें आपका सेल्सियस का काम नहीं रहता। नॉर्मली क्या होता है आपको यहाँ से आपको यूज़ करना है कि आपको माइक्रोवेव में जो आपको बर्तन यूज़ करने हैं, प्लास्टिक के बर्तन, हीट रेजिस्टेंस ग्लास, बोरोसिल के, गोल चाइना के बर्तन आपको यूज़ करना है ग्रिल में, और आपको कन्वेक्शन में इसमें आपको मेटल के बर्तन यूज़ करने हैं, इसमें प्लास्टिक के बर्तन नहीं यूज़ करने हैं। ये दोनों आपके, ये जो आपका स्मॉल और बड़े रैक जो है आपका ग्रिल या कन्वेक्शन के लिए, ये भी आपका ग्रिल और कन्वेक्शन के लिए है। हाँ, इसके ऊपर भी रख सकते हो आप, इसके ऊपर रख सकते हो, लेकिन किसी चीज को आपको पकाना है अंदर गर्म करना, तो उसमें आपके माइक्रो प्लास्टिक के बाउल लेंगे और आपके प्लास्टिक के हीट रेजिस्टेंस ग्लास चलेगा। आपको माइक्रोवेव से बाउल है, इसमें जैसा कुछ आपके डिशेज है आपको रखने में, पानी आपको ऐसा पानी लेके डोर को आपको ओपन करना है, पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, जो भी आपकी चीजें हैं, रखने के बाद आपको बंद करना है। इधर नीचे जैसा आपका सेकंड में चाहिए आपको, जैसे आप प्रेस करेंगे 30 सेकंड, फिर आपने किया एक बार और प्रेस किया आपका 60 सेकंड, इसी हिसाब से आपका टाइम जो है इंक्रीज होगा, आपको स्टार्ट कर देना है। और तो ये माइक्रोवेव मोड अभी जैसा किसी चीज को आपको गर्म करना है, बराबर अपने उस चीज को इसके अंदर रख दिया। रखने के बाद यहाँ से आपको कितना सेकंड के लिए गर्म करना है, जैसा नॉर्मली आपका पानी गर्म करना है कुछ आपका सेकंड, ये आपका 30 सेकंड है, 30 सेकंड से जैसा आप प्रेस करेंगे आपका 30 सेकंड वन टाइम जैसे हमने प्रेस किया आपका 30 सेकंड हुआ। एक मिनट जो होता है सबसे बढ़कर टाइम रहता है, 1 मिनट 30 सेकंड जो किसी चीज़ को आपको गर्म करना, मान लो हमने यहाँ से 1 मिनट करके यहाँ से स्टार्ट कर दिया, अभी ये पानी जो है अच्छा खासा आपका जो है गर्म हो जाए 1 मिनट। तो यहाँ आपने एक ही बार, एक बार आपने करेंगे तो 30 सेकंड होगा, फिर उसी को अगेन अगर प्रेस करेंगे तो आपका 60 होगा। अभी करिए, अभी कैंसिल कर दिया, अभी एक ये वाली वन टाइम एक बार प्रेस करिए 30 सेकंड हो, फिर अगर उसी को आप दोबारा दबाएंगे तो आपका 1 मिनट हो जाएगा। अच्छा, करना कितने में होता है? 30 सेकंड हो गया, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, आपका ये कितना मिनट, ये दो बार हमने दबा दिया, हाँ तो 1 मिनट हो गया। ये आपका माइक्रोवेव होगा जो चीज़ को आपको अंदर से मतलब जितना ज्यादा गर्म करना हो उतने बार दबाना पड़ेगा, उतना टाइम करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए आपको 1 से 2 मिनट जो है इनफ होता है। और किसी चीज़ को आलू हो गया ये सारी चीज़ों आपको पकाना है तो 3 मिनट 5 मिनट का पूरा टाइम लगता है, किसी को 3 बार कर देंगे, हाँ 3 बार आप कर दोगे, यहाँ से स्टार्ट कर यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, यहाँ से जैसे वन टाइम आप प्रेस करेंगे तो आपका स्टॉप हो जाएगा, सेकंड आप प्रेस करोगे इसको फिर आपका कैंसिल हो गया, थर्ड टाइम अगर आप प्रेस करोगे तो आपका ये एनर्जी सेविंग में चला जाता है, तो फिर आपका फिर इसको ऑन करने के लिए फिर आपको ये बाकी यहाँ से फिर आपका कुछ ऐसा प्रोग्राम है जैसा नॉर्मली यहाँ का आपका माइक्रोवेव है, अभी जो आपने किया वो माइक्रोवेव है, तो अभी जैसा आपने इसको पानी जो है आपका एकदम 20 सेकेंड आपके पास, ठीक है, तो आप मान लो 1 मिनट पूरा चलता तो पानी जो है बॉयल होने लगता है। इसके बाद फिर दूसरा आपका, ये तो आपका माइक्रोवेव में आ गया, उसके बाद दूसरा आपका होता है ग्रिल। ग्रिल में क्या करना है आपको, ब्रेड जैसे आपको टोस्ट करना है, ब्रेड को टोस्ट करने के लिए एक बार इसके ऊपर आपने ब्रेड रख लिया, नीचे एक ऊपर रख लिया या एक पे ये रख लिया, आपको देखना इसमें अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं उसको फिर बाकी फंक्शन एक रैक नीचे रखनी है, बाकी रैक इसको दो में अगर रखनी है, हाँ दो से ज़्यादा रख है तो ये दोनों रैक आपके इसके अंदर इस तरह से आपका इसके अंदर रैक आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया आपको सब बंद कर लिया, तो अभी यहाँ से आप आ जाइए, ये आपका माइक्रोवेव के बाद यहाँ पे आपका लिखा हुआ ग्रिल, हाँ आप दबाइए ग्रिल आ गया। अभी दूसरा आपको ग्रिल कितना टाइम चाहिए, 10 सेकंड चाहिए, 20 सेकंड, 30 सेकंड, इधर से भी आप बढ़ा सकते हैं या तो सॉरी यहाँ से भी ऐसा 30
सेकंड में इधर से बढ़ाना है, अगर ज़्यादा टाइम के लिए बढ़ाना है तो इधर से आप बढ़ा सकते हो। यहाँ से आपने मान लो इसको रख दिया, 3 मिनट आपको स्टार्ट कर देना है, ऐसे करके लेना जैसे उसमें यही से एक जगह से ही। हाँ, एक जगह से होगा। नहीं, एक ही जगह से बताइए। हाँ, यहीं से बता रहा हूँ। ठीक है, अभी आपका यहाँ से आपने ग्रिल ग्रिल को ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ से जैसा आपने ग्रिल किया, ग्रिल से आपको कितना टाइम के लिए ग्रिल चाहिए, ग्रिल को आपने यहाँ से टाइम दे दिया। टाइम देने के बाद आपको यहाँ से स्टार्ट, सॉरी ग्रिल आपको यहाँ से टाइम और आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना। अभी आपका ये स्टार्ट वहीं से होगा, ये भी आपका ग्रिल चालू हो गया है। ठीक है, अभी ग्रिल जैसे चालू होगा आपका ये ग्रिल का आपको इधर सिंबल भी दिखेगा, ग्रिल चला और अंदर आपका ये हीटर भी धीरे धीरे आपका ये ऑन हो जाएगा। अंडा वगैरह भी उबल सकता है इसमें? नहीं, अंडा मत उबालना, फट जाता है। ठीक है, ये आपका ग्रिल हो गया। ग्रिल के बाद यहाँ से अगर हमने ग्रिल की बटन दबाई ना, ग्रिल दबा दिया, ये ग्रिल है, उसके बाद हमें यहाँ से करना है? नहीं नहीं, यहाँ से नहीं, ये तो आपका ओनली माइक्रोवेव के लिए है। अच्छा, ये आपने यहाँ से प्रेस कैंसिल हो गया, अभी आपको ग्रिल दबाना है। आप ग्रिल दबाइए, प्रेस करिए, भी नहीं हुआ, ग्रिल हो गया। अभी ये हाँ, टाइम करिए 10 सेकेंड और बढ़ाइए, 20 30, फिर स्टार्ट करिए आप। अभी ये ग्रिल आपका हो गया। ठीक है, माइक्रोवेव आपका हो गया, अभी ग्रिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कैंसिल कर देंगे इसको, वन टाइम में जैसे करेंगे यहाँ से कैंसिल हो गया, दूसरे बाप का क्लियर हो गया। अभी ये तो आपका ग्रिल हो गया, ग्रिल के बाद तीसरा हमारा होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या करता है, जैसा अभी आपका रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है या 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, उस हिसाब से इसके अंदर की जो कैविटी है उसका भी टेम्परेचर आपको कितना चाहिए। नॉर्मली जो आपको केक या पिज्ज़ा ये सारी चीज़ें जो बनती है 180 डिग्री या 200 या 220 डिग्री सेल्सियस पर बनती है। ठीक है, ये 9874984 कितने डिजिट का है? SANJAY जी जी मैम जी मैम, ऑमलेट भी बन जाएगा इसमें जी मैम, लेकिन अंडा आपको पहले ब्रेक करना पड़ेगा, सब बना उना के डाल दें। वो कितने मिनट के उसका टाइम मैम, वो स्लॉट कम से कम 2 मिनट 3 मिनट का है उसमें भी। ऑमलेट कहाँ गया संजय का नंबर तो उसमें आया ही नहीं, नाम डाल दियो। अरे नाम क्या है, तुमने नंबर कहाँ डाला है? यहाँ पे नाम डाल दिया संजय, मुझे तो डाल दिया है ना। हाँ तो फिर यहाँ पे लिखे हो, नाम लिख के खुद ही आ जाएगा नंबर, सेविंग में गया, कॉल मैंने नहीं किया हूँ। हाँ नहीं तो नंबर आना चाहिए ना, लाइए सबसे ऊपर होना चाहिए ना। नहीं मैम, सेविंग तो हमें दो सेविंग में नहीं भी गया ना, सेविंग में तो नंबर आ जाता है ना। जैसे आपने नाम सेव किया ना, तो बस मैंने कॉल नहीं किया था ना। चलिए आप अपना नंबर बोलिए फिर। 9871 4184948494 ऊपर वो सब उसमें है, फंक्शन रेसिपीज हैं।
तीस मिनट एक मिनट टीडीएस सैमसंग ठाकुर भी है भाई।